सत्यम न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस व बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है। देखिए आज की यह बड़ी व ब्रेकिंग खबर। भदोही जनपद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आधी रात के बाद पुलिस के सायरनों से इलाका गूंज उठा और नाके पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मुठभेड़ के बीच एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। बाइक लूटकर भाग रहे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती व कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस की गोली से घायल बदमाश को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया। आधी रात के बाद पुलिस के सायरन से इलाका गूंजता रहा। लूट की बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। भदोही में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल गोपीगंज क्षेत्र के ईंट भट्टे पर काम करने वाले नथईपुर गांव निवासी मुनीप सेसमणि अपनी बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो बदमाशों ने मुनीप की बाइक को लूटकर फरार हो गए। मुनीप ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 पुलिस को दी। बाइक लूट की सूचना मिलते ही जनपद पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुकाबला हो गया। पुलिस बदमाशों का पीछा करने लगी। इस बीच पुलिस को सिंहपुर गोपीगंज के हरदेवपुर नहर के पास दो संदिग्ध बाइक सवार दिखे। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि बाइक पर सवार दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस की गोली से घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश की पहचान जंगीगंज के अकील उर्फ मुर्गा के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान औराई गोपीगंज कोइरौना ज्ञानपुर ऊंच की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, जबकि बाइक पर सवार अकील उर्फ मुर्गा का साथी फरार हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के ऊपर भदोही मिर्जापुर जौनपुर व प्रयागराज में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है और अकील उर्फ मुर्गा हिस्ट्री सीटर व टॉप 10 अपराधी है। बाइक लूटकर भाग रहे बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बाइक लूट की घटना के कुछ ही समय के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। गिरफ्तार बदमाश के पास से पुलिस ने अवैध शस्त्र भी बरामद किया है। ईट भट्टा मुनीप सेसमणि ने जैसे ही बाइक लूट की सूचना पुलिस को दी, वैसे ही जनपद पुलिस हरकत में आ गई। कंट्रोल रूम की सूचना पर जिले के थाना व कोतवालियों के वायरलेस सेट लूट के संदेश से गूंजने लगे। अपने अपने क्षेत्रों में गश्त पर निकले थाना अध्यक्ष व कोतवाली प्रभारियों ने मोर्चा संभाल लिया। गोपीगंज इंस्पेक्टर सदानंद सिंह, कोइरौना इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार मौर्य, ऊंच थाना अध्यक्ष छोटक यादव, औराई इंस्पेक्टर गगन राज सिंह दल बल के साथ जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दी। अपने अपने सर्किल के सीओ भी मुस्तैद हो गए। निगरानी में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती भी डटे रहे। उधर क्राइम ब्रांच टीम भी एक्टिव हो गई थी। थोड़ी ही देर के बाद बाइक लूट कर भागने वाला बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया और मुठभेड़ के बाद पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 11:17 पर डायल 100 पर एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हैं नथेपुर ग्राम के रहने वाले, उनकी स्प्लेंडर बाइक, दो बाइक सवार उनको रोक करके छीन करके भागे और उन्होंने डायल 112 की सूचना दी। कंट्रोल ने फिर थाना गोपीगंज को और आसपास के थानों को सूचना दी। इस पर जो है सभी थाने ऊंच, गोपीगंज, ज्ञानपुर और आई सभी थानों ने मिलकर के इस एरिया को सैनिटाइज करके चेकिंग कर रहे थे। उस चेकिंग के दौरान जो है ये इस तरफ से भाग करके सिंहपुर की तरफ गए, वहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी, फिर वापस भागे हैं। दूसरी तरफ से ये थाना गोपीगंज की पुलिस आई है। इस दौरान जब वो गिरते नजर आए तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, एक बदमाश भाग गया और जो छीनी हुई मोटरसाइकिल थी ये स्पॉट पे मौके पे पड़ी हुई है। जिस अपराधी के पैर में गोली लगी है उसने अपना नाम अकील उर्फ मुर्गा बताया है, जो जंगीगंज के रहने वाला है। अभी उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसकी स्थिति अभी ठीक है।
बाकी चीज़ें उसे मेडिकल उपचार के बाद उसे और डिटेल जानकारी की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी में इतना आया है कि उस पर करीब एक दर्जन से ज़्यादा लूट चोरी नकबजनी और मुकदमे हैं और ये अपना प्रयागराज भदोही जौनपुर और मिर्ज़ापुर इतने जनपदों में उसका अपराध क्षेत्र रहा है। आगे बाकी डिटेल जानकारी होने पर आपको और फर्दर अपडेट करेंगे। अभी अभी चूंकि उसको मजरूब था हमने उसको हॉस्पिटल भेजा है, जैसे ही थोड़ा फर्स्ट एड हो जाएगा उसके बाद उससे हम पूछताछ करके बाकी जो उसका दूसरा साथी था उसके पास क्या मोटरसाइकिल है उसकी भी सर्च करेंगे। अभी भी सर उधर कर लो पहले हैं भदोही जिले की तमाम ब्रेकिंग खबरों के साथ आपको मिलेंगी भदोही जिले की सत्यम न्यूज पर हर छोटी बड़ी खबर। भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज पर। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आज की खबर कैसी लगी या हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।